नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल चार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गणित शिक्षण विषय वस्तु शिक्षण विधि में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पर आपका जो पेपर ये है, ये आठवां पेपर है। आठवां पेपर का नाम है गणित शिक्षण विषय वस्तु शिक्षण विधि। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उसके द्वारा आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर हमारे चैनल में नहीं हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के। यहाँ पर दोनों वर्ष के क्वेश्चंस मिला के आते हैं, दोनों वर्ष के पाठ्यक्रम से मिला के क्वेश्चन देते हैं। तो पहले मैं द्वितीय वर्ष की बात करता हूँ। यहाँ द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, जो मैथ का जो पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें लिखा हुआ रहता है आपका दिस क्वेश्चन इज कंपल्सरी, यानी कि उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हो उसको छोड़ के आप आगे चल जाओगे तो आपको नहीं मार्क्स मिलेगा। अगर आप टोटल पांच दूसरे क्वेश्चन भी अटेंड करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन आपको बनाना है, तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें लिखना पड़ता है। तो उसमें देखिए, यहाँ पर जो पहला है क्वेश्चन जाएगा यहाँ से आएगा, तो इकाई वन में आपका है ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि, समस्या निराकरण विधि, स्वयं खोज विधि। तो इन चारों विधियों में कोई एक विधि दे देगा जिसे लिखा रहेगा। ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव या इसका वर्णन अच्छी तरह से करें, इसका उदाहरण स्पष्ट या इसका उदाहरण देते हुए इसको वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पर दे सकता है खेल विधि क्या है, खेल विधि के गुण ये दोष, यहाँ सारा कुछ, समस्या निराकरण विधि, स्वयं खोज विधि। तो यहाँ पर मैं बता दूँ पिछले साल आया हुआ था खेल विधि, और यहाँ पर इस साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि और खेल विधि है। तो आप यहाँ पर से चारों विधि को याद कर लेना दोस्तों, यहाँ पर से आपका 12 नंबर फिक्स है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इकाई 2 में आपका है अंकगणित, और यहाँ पहला टॉपिक है साधारणीकरण, कोष्ठक की क्रियाएं, वर्ग वर्गमूल, प्रस्थित, लाभ हानि, बट्टा। तो यहाँ पर वर्ग वर्गमूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि भी इंपॉर्टेंट है, और से आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों बीजगणित में। यहाँ बीजगणित है, देख सकते हैं क्रम विनिमय, सहचर्य तथा वितरण के नियम, बीज व्यंजक के वर्ग एवं घन ज्ञात करना, बीज व्यंजकों का गुणनखंड, करनी, घात, घातांक, ये सबसे छोटा छोटा क्वेश्चंस रहता है दोस्तों, ये सब देख लेना। उसके बाद हम लोग चलते हैं इकाई 4 में, तो यहाँ पर इकाई 3 में और कुछ भी था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर संख्या एवं संख्या प्रणाली, संख्या रेखा, स्थानीय मान का ज्ञान, भिन्न साधारण, दशमलव भिन्न, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लघुत्तम समवर्तक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अनुपात एवं समानुपात का ज्ञान। दोस्तों ये गणित विषय ऐसा विषय है कि क्वेश्चन गेस करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कब क्या क्वेश्चन आ जाए पता नहीं चलता है दोस्तों। तो इसलिए आप ज़्यादा ध्यान सारे क्वेश्चन पे को हल करने में दीजिएगा, जैसे गुणनखंड समीकरण, तो यहाँ पर गुणनखंड और समीकरण यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ रेखागणित, बिंदु, रेखाखंड, कौन, इसके प्रकार, यहाँ से तो मुझे नहीं लगता है कि आएंगे, लेकिन नीचे त्रिभुज में इसके प्रकार, यहाँ त्रिभुज से क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद क्षेत्रमिति में जाते हैं दोस्तों, क्षेत्रमिति में देख सकते हैं वर्ग एवं आयत का परिमाप, ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन 100% रहेगा, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहेगा त्रिभुज एवं त्रिभुज के ऊपर परिमाप क्षेत्रफल। के बाद नीचे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, विषमकोण चतुर्भुज, यहाँ से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये नीचे नहीं आता है। अब दोस्तों हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन निकाल लिया है, पाठ्यक्रम निकाल लिया है, सिलेबस निकाल लिया है। यहाँ पर देख सकते हो आपका इकाई 1 में है गणित का स्वरूप, शैक्षिक महत्व, प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण एवं उद्देश्य। तो मैं आपको 100% बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो दो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। तो अगले साल आया था प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य, शायद ये आया हुआ था ऊपर वाला, तो अब ये दोनों को याद कर लेना, यहाँ से आपका 12 नंबर फिक्स है, ये क्वेश्चन रहेगा, आप इसको ज़रूर बना लीजिएगा। एक में ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि रहेगा, और या उसके बाद दो क्वेश्चन उसमें रहते हैं, अथवा में ये रहेगा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य। तो मुझे लगता है कि नीचे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा तो आपका 12 नंबर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद इकाई 2 में आगमन निगमन विधि जो है, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से भी
आपको 12 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर आएगा तो, और ये हमेशा आता ही है दोस्तों। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप यहाँ से भी कर लीजिएगा और इसको भी कर लीजिएगा, इस चारों विधि को आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद अंक गणित में जाते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, बाइनरी संख्या, प्रमेय संख्या, यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये सब आप हल कर ही लोगे। उसके बाद बढ़ते हैं इकाई 4 की ओर। इकाई 4 में आपका है वृत्त केंद्र, त्रिज्या, परिधि, वृत्तखंड, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, वृत्तखंड के परिचय, फिर यहाँ पर क्षेत्रमिति, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, ये सब सारा कुछ आप कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।